चलिए तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मेटल पाथ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है 5th अप्रैल करंट अफेयर का। ये रोज़ाना सुबह 11 बजे होता है और इसके अंदर मैं आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एमपी के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस क्लास की जो PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिससे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पर मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी में भी करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, जिसमें अपकमिंग क्लासेस जो हैं उसमें आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी क्लास मिल जाएंगी। ये प्री प्लस मेंस के लिए चल रही है विद आंसर राइटिंग, ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। करंट अफेयर क्लास आप लोगों को मिलती ही है और इंडियन पॉलिटी जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है 26th अप्रैल। तो 5th अप्रैल के आप लोगों के जो करंट अफेयर हैं वो है इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका जो है विकसित किया गया है। आप खुद सोच के देखिए कि देश में पहला कौन हो सकता है जिसने अपने जानवरों के लिए भी वैक्सीन बनाया कोविड-19 का। ठीक है, तो जो कोविड-19 है, ठीक है, उसके लिए जो वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो रशिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो रशिया जो है, मैं आपको बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर देखा जाए सबसे बड़ा देश है। और रशिया जो है अपने आप को यूरोप में कंसिडर करता है, एशिया में कंसिडर नहीं करता। तो रूस के देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका कोविड-19 का टीका को विकसित किया है। और रूस द्वारा जानवरों के लिए जो बनाई गई वैक्सीन है कोविड-19, इसका नाम जो है कोरोनिक कोवी का रखा गया है। तो ये नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रूस देश में वर्तमान में मनुष्य के लिए कोरोना वायरस के लिए 3 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। और आप लोगों को पता है जब न्यूज चल रही थी उसमें पुतिन ने सबसे पहले घोषित किया था कि हम लोगों ने कोरोना वायरस का वैक्सीन भी बना लिया है। वही मॉस्को ने 2 अन्य वैक्सीन, जिसको हम लोग बोलेंगे एपीवी कोरोन और कोवी को भी आपातकालीन स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पहला देश है रशिया जिसने अपने जानवरों के लिए बनाया। अब देख लेते हैं कुछ अतिरिक्त इसके अलावा फैक्ट कि रूस की राजधानी, आप सभी लोगों को पता है, मॉस्को है। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट मिलेंगे आपको मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन, और जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, और इनकी जो मुद्रा है वो मिलेगी आपको रूपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग अपने मार्क जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने कितने मार्क्स आप लोगों को आए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, किसे क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप लोगों को पता है कि जितने भी कमीशन होते हैं उसके अंदर जो नियुक्तियाँ होती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर दिन आप लोगों को जो नियुक्ति हैं उससे संबंधित क्वेश्चन मिले। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है उसमें हाल ही में किसको चेयरमैन बनाया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में, आदिल जमनेन, चंदन नागपाल, उसके बाद में नीरज जलोत्रा, और उसके बाद में मिलेगा नन ऑफ दी अबव। तो आप लोग सभी लोग इसको पॉज करके अपने जवाब जो है देंगे और उसके बाद में फाइनल में 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए बताएंगे। तो इसका जो सही जवाब मिलेंगे आपको आदिल जैनुद्दीन भाई। अभी कौन है, मैंने आपको बताया कि जो CBC है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। उसके बाद में आदिल जैन भाई ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने सिविल सेवकों के को प्रशिक्षित करने के लिए आप देखेंगे NPCSCB जैसे मिशन कर्मयोगी को मंजूरी भी दी थी और इनको इसके लिए सम्मानित भी किया गया। बाद में देखेंगे इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हो सकता है कि PSC आप लोगों को ये दे दे लिख के और पूछे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, RBI ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 1935 को 1935 को RBI की स्थापना हुई थी 5 करोड़ की लागत से, और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। ठीक है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी जोड़ा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे बैंक काम करते हैं। तो अभी हाल ही में इसका स्थापना वर्ष बनाया, आपको बताना है कि कौन से नंबर का स्थापना वर्ष है। तो 35 से ही आप लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको साफ दिख रहा है 86 नंबर का ये स्थापना वर्ष था। तो RBI गठन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कब हुआ है, 1 अप्रैल को 1935 को हुआ था। केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। मतलब अगर कल को ही हमें RBI में कुछ भी बदलाव करने होते हैं, चेयरमैन से रिलेटेड, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हम लोग इसी एक्ट में बदलाव करते हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक का जो सेंट्रल ऑफिस है कोलकाता में स्थापित किया गया था उस टाइम पर। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो मिल जाएंगे आपको शक्तिकांत दास, 25 नंबर के गवर्नर हैं। इसके पहले उर्जित पटेल थे, और उसके पहले कौन थे, हमारे रघुराम राजन जी। इसका मुख्यालय आप लोगों को मुंबई में मिलेगा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है,
कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों बाद में आपको कि कैसा लगा ये सेशन। अगर आप इन सेशन को पसंद करेंगे तो मैं दूसरे सेशन जो हैं वो जरूर आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा, है ना, जिसमें थेरी भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आगे थेरी भी मिलेगी आपको। फिर है आपका साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने 70 किलोग्राम भार में कौन सा एक पदक जीता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साउथ एशियन विश्व चैंपियनशिप जो है उसके अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो जहाँ जहाँ गोल्ड मेडल मिलते हैं वो आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो इनका जो नाम है ना वो मिलेगा आपको अनिया मैथ्यू, और इन्होंने हाल ही में साउथ एशियन विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। चलिए तो थोड़ा सा और जानकारी हम लोग इनके बारे में प्राप्त करते हैं कि क्या इससे संबंधित फैक्ट है। और तो 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अनिया मैथ्यू जो है कराटे के ब्लैक बेल्ट और किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप रही है। पीएससी में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बोल देंगे अनन्या मैथ्यू का संबंध किस खेल से है या किस स्पोर्ट से है, ठीक है। तो ब्लैक बेल्ट और किक बॉक्सिंग जो है उससे संबंधित है। वह अर्जुन पुरस्कार विजेता कुलदीप हाटू के प्रशिक्षण के में अपना प्रैक्टिस करती हैं। तो इनके जो कोच है उनका भी नाम आ सकता है। और साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुई थी, है ना, जिसमें मिथुन वैश्यु चैंपियनशिप में पहुंचने वाली दक्षिण भारत की पहली वुशु खिलाड़ी बनी। आप खुद सोच के देख लीजिए आप, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है हम लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक सुपरीपालन, ठीक है। तो सुपरीपालन जो है उसके लेखक कौन है आप लोगों को पता है, बुक और ऑथर से क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने आपको इसी मेरे YouTube चैनल पे मिडिल पाथ के ऊपर मैंने आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो याद करवाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, मैंने याद करवाई हैं। अगर आप बुक्स एंड ऑथर याद करना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए तो जो सुपारी पालन जो है ना, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी। तो कौन है शैलेंद्र जोशी जी, आइए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो लेखक और सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने अपनी नई पुस्तक जो है वो लिखी है सुपरी पालन लॉन्च की। इस पुस्तक में विवेचना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की थी। तो उस टाइम पर वेंकैया नायडू जो हैं वो मौजूद मिलेंगे आपको यहाँ पर। यह पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव रहे श्री एस जोशी द्वारा लिखित पुस्तक है ना, इकोटी कॉलिंग या बोल सकते हैं टूवर्ड्स पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस का है ना तेलुगु अनुवाद है। तो ये पुस्तक है ऑलरेडी, उसका एक तेलुगु अनुवाद इन लोगों ने किया और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सुपरीपालन पुस्तक का अनुवाद अनुपले द्वारा किया गया और इसका प्रकाशन जो है श्री मारुति ने भी किया था, ठीक है। चलिए तो हमारे लिए सिर्फ लेखक और उसके जो पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा में रखी हैं। अगर कल कोई उससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। अगेन मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है कि भारत में ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ DRDO कर सकता है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा इसको बनाया गया है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट से कहने का मतलब ये है कि जो आर्मी के जो जवान होते हैं, है ना, उनको कई बार ऐसे इलाकों में जाके लड़ना होता है जो कि बहुत हाइटेड होते हैं और वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि बहुत हैवी होते हैं उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम करना। तो इसको ध्यान में रखते हुए DRDO ने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसको विकसित किया है। तो DRDO का मेरे हिसाब से आप लोगों को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया ना, DMSRDE कानपुर DRDO प्रयोगशाला में विकसित लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट का कुल वजन जो है 9 किलोग्राम का है मात्र, ठीक है। यह जैकेट BSI मानकों को पूरा करता है और फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का TBRL चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी किया गया है। मतलब कुल मिला के फुल प्रूफ हम लोगों ने इसको बना लिया है और अब आर्मी के जवान जो है इसका फायदा उठा पाएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्वजनिक उदय चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं खासतौर पर जो पब्लिक के हैं, है ना, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बोर्ड ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन जो है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, नैना सहगल है, महेश्वरी दास है, पल्लवी नाथन है और मल्लिका श्रीनिवासन है। इसका जो सही जवाब है मल्लिका श्रीनिवासन मिलेगा आप लोगों को। तो मल्लिका श्रीनिवासन जो है उनको हाल ही में PSEB जो है उसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवासन वर्तमान में देखेंगे ट्रेड एंड फर्म इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के रूप में काम कर रही हैं, तो पहले से एक सम्मानित पद के ऊपर हैं। सार्वजनिक उदय चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें निजी क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए याद रखेंगे मल्लिका श्रीनिवासन का नाम भी आप लोगों को याद रखना। आज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो आपको
बताना है कि हाल ही में कहाँ पर ये किया गया है, फ्रांस में, मलेशिया में, रशिया में या फिर जापान में। तो ये फ्रांस में जो है लहर वापस से आ गई है, इसलिए तीसरा लॉकडाउन जो है वो घोषित कर दिया है। आप सभी लोगों को घर पर रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी आप देखेंगे कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे स्थानों पर लॉकडाउन जो है लग रहा है, जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर में तो संडे का फुल लॉकडाउन है, और मैंने अभी खबर देखी है बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ पर संक्रमण बढ़ा है वहाँ पर 3-3 दिन के लॉकडाउन बढ़। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसी स्थितियाँ ना हो, तो आप लोग प्रॉपर मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को, आपको अपने आप को और आसपास के क्षेत्रों को भी क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम माइक्रो के फ्रांस में अगले 4 सप्ताह तक लॉकडाउन के निर्देश पारित किए हैं उन्होंने, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के उद्देश्य से इस लॉकडाउन को लागू किया है। फ्रांस की राजधानी आप सभी लोगों को पता है पेरिस है। प्रधानमंत्री आपको मिल जाएंगे जेन कास्टेक्स, और वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो मिलेंगे आपको एमनुअल मैक्रों। ठीक है, तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेरे हिसाब से हर बार मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, तो मैं इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको कहूँगा कि महिला विश्व कप 2023 जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोथ एंड बी। तो इस तरीके से जब ऑप्शन आपको मिलते हैं तो स्वाभाविक है ये तो कि बोथ एंड बी जो है सही होता है, और मैंने इस बार वो किया है आप लोगों के लिए। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ये महिला विश्व कप 2023 जो है उसकी मेजबानी करने वाले हैं, और 10 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित कराया जाएगा। फीफा ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी थी। महिला विश्व कप 2023 में पहली बार 24 टीमों की वजह है ना, 32 टीम जो है जगह जो है टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। तो इस बार टीम भी आपको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और सभी बच्चे ये खत्म होने के बाद में जैसे ही आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना मुझे स्कोर भी बताएंगे, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपको सेशन भी कैसा लगा। मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन कितना करोड़ रुपए रहा है? तो आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा हमारा पिछला वाला वर्ष, और नया फाइनेंशियल ईयर हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया है। ईश्वर करे आप सभी लोगों का वो मंगलमय हो, सभी के लिए, सभी के जीवन में खुशियाँ भी आए। तो भारत के जीवन में खुशियाँ आई कि नहीं आई, भारत ने कितना रेवेन्यू कलेक्शन किया है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो इसमें 1.23 लाख करोड़ जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन जो है 1.23 लाख करोड़ रुपये रहा। वही मार्च 2021 के सकल GST राजस्व की अगर हम लोग बात करें तो वो रहा 1,23,902 करोड़ रुपये, है ना। पिछले 6 महीने की तुलना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो GST कलेक्शन जो है सबसे अधिक है ये। तो कुल मिला के जब अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तो उससे काफ़ी असर इससे पड़ा। आप लोगों को पता है 3 पार्ट में लिया जाता है, CGST, SGST और IGST, और उपकर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, उपकर मतलब कर के ऊपर कर, जिसको बोलते हैं उपकर। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेस बोला जाता है, सेस हमेशा प्री डिफाइन होता है। तो सेस भी इन लोगों ने बताया है कि लगभग 8,757 करोड़ रुपये का इनको मुख्यतः इसमें शामिल हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपना यहाँ पर टेलीग्राम चैनल रखा है मिडिल पाथ के नाम से, आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन और सारी की सारी जानकारी मिल जाए क्लासेस की। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन जो है मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।